हेलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लिया है हमने जो विधि की तथ्य और विधि की भूल में अंतर क्या है। तो वैसे ही पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम अपराध गठित करते हैं, कहाँ पे नहीं गठित करते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं, तो उनका पता होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, जिससे चैनल भी साथ में ग्रोथ करता रहे। तो आज का ये टॉपिक है भूल। जैसे कि भूल क्या होती है? सामान्य भूल जिस तथ्य का, किसी फैक्ट का हमें पता नहीं होता, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, और उस जानकारी से हमारा कुछ जो भी काम होता है या जिस उससे जो भी लॉस हो जाता है, तो भूल के अंतर्गत आ जाता है कि उस विषय में उसको पता ही नहीं था, उन तथ्यों के बारे में जिनका पता होना उसे जरूरी था। तो भूल वह होती है जिन जिन तथ्यों के बारे में जानकारी होना आवश्यक था और उन तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। लेकिन सामान्य भूल अलग होती है और कानून में जो भूल होती है वो अलग होती है। तो आज हम जो सामान्य भूल होती है और कानून में जो जिसे भूल माना जाता है, कौन सी भूल अपराध गठित करती है या कौन सी भूल अपराध गठित नहीं करती है। तो भूल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है तथ्य और दूसरी कैटेगरी है विधि। मतलब कि एक तो फैक्ट हो गया और साथ में लॉ हो गया। तो जो भूल से संबंधित जो दो प्रोविजंस दे रखे हैं, जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 के जो 76 से लेकर 106 में, जो सामान्य अपवाद के अंतर्गत आते हैं। सामान्य अपवाद को एक ऐसी एक अलग सेक्शन बनाया गया है जिनमें कोई भी अपराध नहीं होगा या अपराध किन परिस्थिति में होगा और उनकी सजा कम होगी की जा सकती है, तो उनके लिए एक अलग से चैप्टर बना रखा है। तो जिसका नाम है कि सामान्य अपवाद, जो अध्याय 4 आता है। तो भूल विधि की और तथ्य की दो तरीके से भूल हो सकती है। तो तथ्य की भूल क्या होती है और विधि की भूल क्या होती है, तो पहले हम ये जानेंगे। तथ्य की भूल हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में जानकारी होती है, अगर वो फैक्ट पता होता हमें, जिस जिस विषय में उसकी जानकारी होना आवश्यक था वह जानकारी उसको पता नहीं है और होनी चाहिए थी, तो ऐसी ऐसी घटनाक्रम में वह अपराध होगा या नहीं। जैसे कि कह सकते हैं कि किसी अधिकारी को यह आदेश मिलता है कि किसी अमुक व्यक्ति को, जैसे कि कोई भी नाम है, कमल ले सकते हैं हम, एक सीधा सा नाम लें, कि इस व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करना होगा। और वह अधिकारी अगर गिरफ्तार करना जाता है और उसे पता है कि दो ही व्यक्ति हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उनका नाम कमल है, तो हम जिस जिसने अपराध किया था वह कमल अलग था और जिसने अपराध नहीं किया वह कमल अलग है। तो वह अगर जाता है और दूसरे कमल को गिरफ्तार करके थाने के अंदर ले आता है, तो यह है ऐसी सामान्य भूल चूक या ऐसे सामान्य व्यवहार में की गई भूल को एक तथ्य की भूल मानकर उसको अपराध नहीं माना जा सकता। तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर भी, उस अधिकारी के ऊपर भी उसको सजा नहीं होगी कि उसने क्यों गलत किया। तो ऐसे भूल जो सामान्य, जो किसी जानकारी के अभाव में की गई गलतियों से उत्पन्न होती है, तो ऐसी भूल को कानून में बचाव दिया गया है। तो वो विधि की भूल वह होती है कि जिसके बारे में कि विधि की जानकारी नहीं है और वह कोई अपराध कर देता है, तो वह यह एक अपवाद के रूप में नहीं ले सकता, यह एक्सक्यूज नहीं ले सकता है कि उसे तो पता ही नहीं था उस बारे में और मैंने ये कर दिया, अगर मुझे पता होता तो मैं ये अपराध करता ही नहीं, तो इसलिए मैं निर्दोष हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि विधि की जानकारी नहीं थी, मुझे कानून का पता ही नहीं था, तो मैं अगर ये पता होता तो मैं अपराध नहीं करता, तो ऐसी जानकारी नहीं। तो सामान्य तौर पर समझा जाता है कि सबको कानून का पता होता है और अगर नहीं पता होता तो जानकारी जुटा लेता है, उसे पता होना चाहिए। तो एक सामान्य जो भी एक व्यक्ति होता है जो 18 साल से ऊपर होता है, जो सोसाइटी से जुड़ा होता है, जो भी संसार में जो भी गतिविधियां होती हैं उनसे उनमें हिस्सेदारी लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि सामान्य जांच पड़ताल से उसे जानकारी हो सकती है विधि की, वो अपराध करने से बच सकता है। तो
तो ऐसे ही कोई भी ये इस आधार पे अपने अपराध से बचाव नहीं कर सकता कि उसे विधि की जानकारी नहीं थी। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर समझें कि कोई विदेशी नागरिक है, अगर भारत में बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के कहीं पर घूम रहा होता है और उसके पास में वो वीजा है, वो घूम जाता है और वो कई दिन से यहीं घूम रहा होता है, उसे पता ही नहीं है कि बिना वीजा एक अपराध है घूमना यहाँ वहाँ, और अगर उसको पकड़ लिया जाता है तो उसको सजा होगी। वह यह कह नहीं सकता कि यहाँ पे अपराध होगा ही नहीं। हमारे देश में किसी विदेशी व्यक्ति को अगर बिना वीजा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तो हमारे, तो यहाँ भी मैंने सोचा कि ऐसा ही कोई कानून होगा जिसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कई आधार और कई उदाहरण हम ले सकते हैं जिनके आधार पर माना जा सकता है कि यह अपराध है या नहीं। अगर कोई भी तथ्य है जैसे कि ए है और बी है, अगर ए और बी में किसी चीज को पता नहीं है कि जैसे कि ए मतलब कि ए बी और सी अगर कोई झगड़ा कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि इसमें गलती किसकी है, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं, किसी को अगर पकड़ के ले जाते हैं और उसे मतलब कि बिना किसी जांच पड़ताल के ही अगर वो उसे गिरफ्तार किया जाता है तो यह तथ्य की भूल के आधार पर हम ऐसा बचाव नहीं कर सकते। हम ऐसी जानकारी उससे प्राप्त कर सकते थे, उसे ले सकते थे, तो तथ्य के बचाव के लिए भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो ऐसे तथ्य का बचाव तभी मिल सकता आपको उसकी जानकारी में उसे पता नहीं था, उसने अपना कर्तव्य सद्भावपूर्वक कार्रवाई से किया था। तो सद्भावपूर्वक क्या होता है? सद्भावपूर्वक वह होता है कि जो धारा 52 है भारतीय दंड संहिता है उसमें सद्भावपूर्वक की भी परिभाषित किया गया है। उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जांच पड़ताल से उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी सूचनाओं का पता लगा सकता था अपनी सामान्य गतिविधियों से, जिससे उसको पता चल जाता और ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए कोई काम किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वह कार्रवाई की गई है, तो सद्भावपूर्वक कार्रवाई की गई है। तो ऐसे जो भी किसी के हित के लिए काम किया जाना सद्भावपूर्वक होता है, उसके फायदे के लिए किया जाना या कह सकते हैं कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना सद्भावपूर्वक के अंतर्गत आता है। तो तथ्य की भूल और विधि की भूल, तथ्य की भूल में आपको बचाव मिल सकता है और विधि की भूल में आपको बचाव नहीं मिल सकता है। तो तथ्य की भूल कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं हो सकती कि जो जानकारी आवश्यक होती है, और विधि की भूल में जिसको जानकारी नहीं होती है अगर वो कोई अपराध कर देता है जो विधि में दंडनीय होता है, तो ऐसे परिस्थितियों में उसे दंड का प्रावधान दिया गया है। विधि की भूल और तथ्य की भूल में एक इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसे कानून में क्यों सम्मिलित किया गया? तो रोम कह सकते हैं कि यूरोप में कानून की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में अन्य देश हैं जैसे कि यूरोप के, जैसे कि जर्मनी हुए, इंग्लैंड हुए, फ्रांस हुए, जो भी अतिरिक्त देश हैं उनमें धीरे धीरे कानून की स्थापना होती गई। तो ये लैटिन मैक्सिम से ही हम कह सकते हैं कि यूरोप में जो भी तर्कसंगत रूप से लैटिन कहावतें मुहावरे जो चलते थे सामान्य रूप से और सुसंगत होते थे किसी भी व्यक्ति के लिए, तो ऐसे जो मैक्सिम मुहावरे और जो लोकोक्तियां कह सकते हैं कि उनके आधार पर कानून के उपबंधों का निर्माण किया गया, उनका उपयोग किया गया। तो ये लैटिन मैक्सिम है इग्नोरिया जूरिस नॉन एक्सोसेट, इसका मतलब ये होता है कि आप तथ्य की भूल समय हो सकती है लेकिन विधि की भूल समय नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की घटनाक्रम में अगर आपके से तथ्य की भूल हो जाती है तो उसको माफ किया जा सकता है, उसे समय किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको विधि की जानकारी नहीं है तो विधि की जानकारी में आपको माफ नहीं किया जा सकता। इससे जुड़े जो प्रोविजन है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत N79 के अंतर्गत दिए गए हैं। धारा 76 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा आबद्ध होता है तो उसी आदेश में जो कार्य किया गया है और तथ्य की भूल के अंतर्गत किया गया है तो ऐसा कोई भी कार्य वो अपराध की दृष्टि अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी सेना का
अधिकारी है, अगर वो अपने से छोटे रैंक के अधिकारी को आदेश देता है, या कह सकते हैं कि सामान्य जो सैनिक है उसको आदेश दिया जाता है कि गोली चलाओ, अगर उस गोली से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी गलत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको सजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध था, उसे वह चलाना विधि के प्राधिकार के अंतर्गत आता था कि उसे आदेश दिया गया था कि यह कार्य करना है। अगर उसको किसी दूसरे व्यक्ति को भी मारना पड़े तो उसके ऊपर वह मुकदमा नहीं लग सकता, क्योंकि चिंत्र में बताया गया है उसको अपराध माना नहीं गया है कि विधि के द्वारा जो आबद्ध है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके आदेश अनुसार तो वह अपराध की दृष्टि के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, उसे छूट मिलेगी क्योंकि वह सद्भाव पूर्वक चलाई की गई कार्रवाई थी, उसका अपना कोई आशय नहीं था किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, वह विधि की आबद्ध था। विधि का मतलब ये है कि जो कानून के अंतर्गत जो सेना का उच्च अधिकारी था उसने उसे जो आदेश दिया था, उसने जो आदेश दिया होगा वो विधि के अंतर्गत ही दिया होगा, जिसमें कानून में लिखा होगा कि ऐसी परिस्थितियां बिगड़ने के बाद में आप गोली चलाने का आदेश दे सकते हो। तो इसके अंतर्गत कोई अपराध नहीं होता। दूसरी धारा है 79, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि आप विधि के अंतर्गत विधि द्वारा न्यायानुमत होने पर तथ्य की भूल के द्वारा किया गया अपराध नहीं है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुझे तो किसी चीज का चोरी का पता नहीं था, कि किसी दूसरे सामान को कह सकते हैं कि पानी पीना, आप किसी की बिना अनुमति अगर किसी के घर में घुस के अगर पानी पीकर भी आ जाते हो तो वो भी एक अपराध की दृष्टि में ही आएगा, क्योंकि किसी के भी बिना अनुमति किसी के भी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करना या रात में घुसना या बिना अनुमति अगर किसी के भी जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी जो शांति भंग करना, जो जहां पर रहता है उसके प्राइवेट स्पेस को क्षति पहुंचाना, ऐसे जो परिस्थितियां होती हैं उनमें अपराध माना जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां कि न्याय संगत तो नहीं था लेकिन वह उसे तथ्य की भूल के आधार पर किया गया है, कि उसे लगता था कि यह घर किसी दूसरे का होगा और या इसमें अभी कोई नहीं है, लेकिन वह कार्य अगर कर देता है तो न्यायानुमत तो नहीं था लेकिन उसने कर दिया, तो ऐसी कैटेगरी में उसे अपराध माना जाएगा। तो कह सकते हैं कि तथ्य की भूल और विधि की भूल दोनों में एक अंतर यह है कि तथ्य की भूल में अगर आपने सद्भाव पूर्वक भी कार्रवाई की गई है तो भी वह अपराध गठित कर सकती है। दूसरी चीज तथ्य की भूल है, तथ्य की भूल में अगर कोई कार्रवाई सद्भाव पूर्वक की गई है और तथ्य के अभाव में की गई है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता, उसे बचाव दिया जाएगा, उसे कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो विधि की भूल सम्य होती है, लेकिन विधि की भूल सम्य नहीं होती है और तथ्य की भूल सम्य होती है। तो हम कह सकते हैं कि तथ्य किसी को किसी जानकारी अभाव उसे बचा सकता है किसी अपराध से, लेकिन विधि की भूल विधि की अज्ञानता उसे बचा नहीं सकती, उसे दंडित कर सकती है। तो हम विधि की भूल का कभी भी ये एक्सक्यूज है कह सकते हैं कि बहाना नहीं मार सकते कि मुझे उस कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने इस वजह से उसका पालन नहीं किया और यह अपराध इसलिए कर दिया, यह काम इसलिए कर दिया। तो विधि की भूल होना किसी भी अपराध के लिए बचाव का आधार नहीं हो सकता है। तो यही टॉपिक थे जिनसे पता होना चाहिए कि हम कहां पर किसी काम को कर सकते हैं, कहां पर हमारे को बचाव मिल सकता है और कहां पर नहीं मिल सकता। तो जो दो धाराएं हैं जो इसी विधि की भूल और तथ्य की भूल से जुड़ी हुई है, दोनों में तथ्य की भूल दिया गया है लेकिन विधि की भूल, यहां पर विधि को आदेश आबद्ध किया गया है कि यहां पर आपको विधि के अंतर्गत ही काम करना होगा क्षेत्र में, दूसरे में आपको पता है कि ये विधि है लेकिन आपने जानते जानबूझकर आपने विधि का उल्लंघन किया है और कार्य किया है तो वह दंडित माना जाएगा। तो ये है कि अगर विधि के अंतर्गत किया गया कार्य जो तथ्य की भूल के आधार पर किया जाता है तो उसे कोई अपराध नहीं होता है,
लेकिन अगर तथ्य की भूल के आधार पर अगर विधि के उल्लंघन करता है तो वह दंड का आधार बन सकता है। तो आज का यही टॉपिक था, एक सामान्य से सिद्धांत थे। तो एक सामान्य जानकारी के आधार पर पता होना चाहिए कि कौन सा अपराध, कौन से तथ्य हमें अपराधी बना सकते हैं और किन कानूनों की जानकारी नहीं होने पर हमें, अगर हम काम करते हैं कोई जो आप ऐसा कार्य जो अपराध घटित करता है तो वह हमें अपराधी बना सकता है। तो थैंक यू सो मच।